हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं पीटीटी बीएसटीसी 2022, जिसमें पिछला जो आपने पेपर दिया था पीटीटी या बीएसटीसी का 2021 वाला, जो जिसने भी पेपर दिया है और जिसने काउंसलिंग करवाई है, यदि उस काउंसलिंग के दौरान किसी को कॉलेज अलॉट हो गई है लेकिन उसने एडमिशन नहीं करवाया है उस कॉलेज के अंदर, तो क्या उसके काउंसलिंग के जो पैसे हैं वो वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिनको कॉलेज ही नहीं मिला है तो क्या उनके पैसे वापस होंगे, यदि वापस होंगे तो कितने होंगे, तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ और क्या प्रोसेस रहेगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और जो भी विद्यार्थी पहली बार है हमारे चैनल पर तो आगे ऐसी जो अपडेट है वो मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर वन, जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग का फॉर्म भरा था और जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के दौरान जिसको एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो उसको 5000 जो काउंसलिंग के पैसे उसने पे किए थे, उस 5000 में से मात्र उनके 200 रुपये काटे जाएंगे और 4800 रुपये उनको उनके खाते के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब कैसे ट्रांसफ़र होंगे इसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। सेकंड नंबर पे, जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवाई है और उनको कॉलेज भी मिल गया है लेकिन वो कॉलेज में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, उन्होंने 22000 फीस जमा नहीं करवाई है, तो उनको कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, जिनको कॉलेज अलॉट हो गई है लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो उनको 5000 में से 4400 रुपये उनके बैंक खाते में मिलेंगे, 600 रुपये उनके काट लिए जाएंगे और उनको 4400 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब ये आपके खाते में आएंगे कैसे, इसके लिए फीस रिफंड का जो फॉर्म है वो आपको भरना होगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है फीस रिफंड का फॉर्म, जैसे ही फीस रिफंड का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तब आपका जो बैंक खाता नंबर है वो मांगा जाएगा और उसमें जो आपके पैसे हैं वो उसके अंदर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों, फीस रिफंड का फॉर्म जैसे ही भरे जाएंगे, फीस रिफंड का फॉर्म, उसके अंदर आपसे आपके जो खाता नंबर है वो मांगे जाएंगे। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था। दोस्तों, जिसके भी बैंक अकाउंट खुले हुए नहीं हैं वो जल्द से बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि आपके ही जो बैंक अकाउंट है वो वहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि आपके नाम से ही आपने जो फॉर्म है पीटीटी का वो भरा है, तो आपका ही बैंक अकाउंट उसके अंदर होना चाहिए ताकि जो पैसे हैं रिफ़ंड फ़ीस के वो आपके खाते में आ सके। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा, जैसे ही फीस रिफंड के फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।